भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कब क्रिकेट में वापसी करेंगे, हर किसी के मन में सवाल है। अब दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निदेशक श्याम शर्मा ने पंत की वापसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऋषभ पंत से मिले और उसके बाद उन्होंने मीडिया को उनकी स्थिति के बारे में बताया। शर्मा ने कहा, पंत अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप होने के बाद वह वापसी करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि श्याम शर्मा ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक पंत पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाएंगे, वह एनसीए से बाहर नहीं आएंगे और पूरी तरह से फिट घोषित होने के बाद ही एनसीए से बाहर आएंगे। शर्मा ने आगे बताया है कि एनसीए में पंत का रिहैब अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं एनसीए में करीब 30 मिनट था। फिलहाल पंत से सीढ़ियां चढ़ने से संबंधित सभी एक्सरसाइज करवाई जा रही है। वह मिट्टी या घास पर भी चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस समय मैं वहां था, वह अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे। वह मेंटली भी काफी ज्यादा फिट दिख रहे थे। उनको देखने के बाद मैं कम से कम ये बोल सकता हूँ कि शेर वापस दहाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि एनसीए में पंत फिजियो एस रजनीकांत और तुलसी राम युवराज पंत के अंडर रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को सुबह लगभग 5:30 पर 25 साल के पंत का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उनकी मर्सिडीज कार दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई थी। इसके बाद पंत को कुछ समय देहरादून में इलाज चला, फिर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनके दाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।